सभी मीडिया के मित्रों का मैं हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे देश की एक प्रांत केरल प्राकृतिक आपदा भारी बारिश और तूफान की चपेट में है। वहाँ बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोगों की केरल के अंदर जान चली गई है और हजारों लाखों लोग बेघर हैं। इस समय भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन नेवी और भारतीय वायु सेना के साथ साथ बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इस समय राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। केरल हमारे देश का एक कोस्टल एरिया है जो समुद्री तटीय क्षेत्र के साथ लगता है। इस भारी बारिश और तूफान ने केरल में बहुत कहर बरपाया है। इस वक्त केरल के हमारे बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हम सब की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने के 4 ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स, जिसमें लोकसभा के 3 जम्मू पुंछ से आदरणीय जुगल किशोर जी, उधमपुर कठुआ डोडा से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ले लद्दाख की जो सीट है वहां से थुपस्तन छेवांग जी और हमारे राज्यसभा के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट शमशेर सिंह मनाज जी, 4 हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स, 26 हमारे एमएलएस, 11 हमारे एमएलसीज, कुल 41 हमारे प्रतिनिधियों ने केरल में आई इस बाढ़ तूफान के लिए अपने एक एक महीने की तनख्वाह हमारे सभी, जो चाहे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 महीने की सैलरी डोनेट करेंगे। और उसी के साथ साथ हमने बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप को कहा है कि राहत और बचाव कार्यों के लिए अगर वॉलंटियर्स की जरूरत है तो 500 फुल टाइम वर्कर्स, 500 कार्यकर्ताओं को हम जम्मू कश्मीर से केरल भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जब भी हमें आदेश होगा, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में केरल जाकर राहत और बचाव कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। जहां भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट्स, एमएलएस और एमएलसीज ने 1-1 महीने की सैलरी केरल में आई बाढ़ और तूफान के लिए डोनेट की है, वहीं जम्मू कश्मीर की आम जनता से भी हम निवेदन करते हैं कि केरल हमारे देश का भाग है, केरल हमारे मातृभूमि का एक भाग है, केरल में रहने वाले हमारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को आज हमारी जरूरत है। संकट की इस घड़ी में हम केरल के लोगों के साथ हैं। 2014 में जम्मू कश्मीर ने ऐसी ही एक प्राकृतिक आपदा झेली थी जहां पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा हुआ था। आज जम्मू कश्मीर की सारी जनता केरल के अपने बहन भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों के साथ हैं। हमको भी बढ़ चढ़कर केरल के लिए आर्थिक सहयोग प्रधानमंत्री राहत कोष में करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार इस समय पूरी तरीके से, माननीय प्रधानमंत्री जी केरल के अंदर इस समय स्वयं बैठे हैं, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, अन्य अन्य प्रांतों के हमारे मुख्यमंत्री सभी राहत कार्यों में केरल के लिए पूरा सहयोग और योगदान कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक भारतवासी का भी ये दायित्व बनता है कि अगर देश के किसी भाग में हमारा कोई भाई बहन कोई मुश्किल की परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हमको मिलकर उन सब का सहयोग करना है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से भी आह्वान करता हूं कि हमको भी जितना हो सके अधिक से अधिक केरल की जनता के लिए सहयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक आर्थिक यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस ये हमको केरल की जनता के लिए करना चाहिए। यही आह्वान मैं अपने मीडिया के बंधुओं से करने के लिए आज उपस्थित हुआ।